सो गाइज यहाँ पर आप लोगों का मिरर बुक से आज हम लोग कराने वाले हैं आपको सेट नंबर 102 इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 1999 में आया हुआ ये पेपर है। इस गाइज इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 101 कराया था वाइट बोर्ड पर, यहाँ मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शंस वाला था तो थोड़ा वाइट बोर्ड पर लिखना मुझे दिक्कत होता इसको। देखते हैं गाइस क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ़ ही वुड हैव स्टोलन द मनी ही वुड हैव डन रॉन्ग। गाइस मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, यहाँ पर आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के रेड पार्ट में एरर क्या है। यस जितने भी रेड पार्ट हैं आपको सिर्फ उनमें एरर बताने है कि क्या एरर है। गाइस यहाँ एक स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, इफ प्लस सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके आने वाला है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है लेकिन इस पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात गाइस ये बता दूँ मैं आपको कि एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं। एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब एक साथ कभी भी नहीं आ सकती हैं। अगर ऐसा है तो हमेशा आपको बच्चों बता दूं, अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो इफ़ अनलेस अनटिल इन केस प्रोवाइडेड वेदर एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज व्हेन बिफोर आफ्टर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आपको हमेशा हटानी है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर फिलहाल आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था जो कि ऑप्शन ए में है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है यू सीम्स टू बी इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक। गाइस यहाँ पे रिच आपका एक पॉजिटिव डिग्री है और इनफ का उसके साथ आया गया, यानी कि इनफ आपका एक एडवर्ब है। गाइस यहाँ पे इनफ के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आया करती है, ये कन्फर्म है, बिल्कुल क्लियर है। इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद आएगा नॉट पहले, तो ही सीम टू बी रिच इनफ नॉट इनफ रिच। तो यहाँ पे रिच इनफ होना चाहिए था, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इफ आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन 10 years अगो आई वुड हैव बिकम अ मिलीनियर बाय नाउ। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। गाइस ये भी आपका एक कंडीशनल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, साथ में आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था जो कि है। गाइस यहाँ पर सॉरी माफी चाहूँगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर होगा तो नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका इफ आई हैड एक्सेप्टेड यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन गाइस अगर हम बात करूँ ऑप्शंस की तो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर इफ आई हैड एक्सेप्टेड नहीं है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ बुक वाले की तो बुक वाले ने भी यहाँ गलती कर दी। बुक वाला कह रहा है कि किसी भी ऑप्शन में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो आपको मजबूरन इसका ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट लगाना होगा। यहाँ पर हुई है एक बहुत बड़ी गलती बुक्स वाले से जिस पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंस जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ये आपको याद होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब में से कोई भी एक, वोज या वर्ब में से कोई भी एक साथ में या तो आईएनजी या पर या फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो आप नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इफ आई वोज टू एक्सेप्ट, यानी कि आप पहला ऑप्शन इसका करेक्ट करेंगे, सेंटेंस का ए ऑप्शन होगा करेक्ट, कंपटीशन के लिहाज से इसका आंसर ए माना जाएगा। बुक के हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, बच के रहिएगा गाइस। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ी सी सावधानी बरतें और सेंटेंस करें।
टीचर्स का ज़रूर उपयोग करें, एक अच्छे टीचर का। यहाँ अगर कोई एक फ्रेशर बैठा हुआ होता तो शायद वो पीछे से देख आपको पढ़ा देता, लेकिन गाइस आपका एक नंबर खो सकता था, और आपका नंबर छोड़िए यहाँ सिलेक्शन खो सकता था आपका गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहे कि यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड अ लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन एंड आई हैड टेकन फ्रॉम इट। यहाँ पर उसने सेंटेंस में कहा यस्टरडे, जब भी सेंटेंस में आपका यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस आदि शब्दों का इस्तेमाल हो तो हम लोग सेंटेंस को सिंपल पास्ट बनाया करते हैं। आई हैव रिसीव्ड की जगह ओनली रिसीव्ड आपका होना चाहिए था यहाँ पे, ओनली रिसीव्ड का यहाँ पे आपको उपयोग करना है, तो सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पे रेड पोर्शन का जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है द डिजीज सून गॉट यूज्ड टू लीव इन द कंट्री। गाइस ये स्ट्रक्चर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, अगर कभी भी यूज टू के बाद आपको लगानी हो वर्ब तो आप हमेशा लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते आए हैं, उनको लगेगा सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले आपका बी का फैमिली हो या फिर गेट हो, तब आप यूज्ड टू के बाद में, गाइस अगर यूज्ड टू से पहले बी की फैमिली या फिर गेट लगा हो तो यूज्ड टू के बाद में हम लोग आईएनजी यानी कि जिरंड केस का इस्तेमाल किया करते हैं। द डेजियस सून गोट यूज टू लिविंग यहां पर होना चाहिए था, इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका करेक्ट बी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सिक्स सेंटेंस, कह रहे कि दैट डिपार्टमेंट हैज बीन डन अवे विद टू ईयर्स अगो। सेंटेंस में फिर से आ गया आपका अगो, यानी कि सेंटेंस बनना चाहिए था आपका सिंपल पास्ट, सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट बनना चाहिए था गाइस। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपका हैज़ बीन डन की जगह होगा सिंपल वॉज डन, क्योंकि ये आपका पास्ट नहीं बना रहा है, ये आपका पास्ट नहीं बना रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। यस गाइस, सो चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर सेवन। एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द न्यूज़ ऑन द रेडियो। गाइस न्यूज़ सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर हियरिंग की जगह लिसनिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हियरिंग का इस्तेमाल करते हैं तब जब आपको कोई चीज़ ना सुननी हो लेकिन मजबूरन या फिर अचानक आपने कोई चीज़ सुनी हो। यहाँ पर न्यूज़ सुनने के लिए आप अपना मन बनाकर बैठेंगे ध्यान से सुनने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से सुनने के अर्थ में हम लोग लिसन का इस्तेमाल किया करते हैं। हियर आपका एक नेचुरल एबिलिटी के लिए लगाया जाता है, अगर अचानक से कोई साउंड आपको सुनाई दे जाए तो उसको बोलते हैं हियर। यस गाइस, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इस सेट में सारे कंडीशनल सेंटेंस ही डाल दिए, ये आपका थर्ड या फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस है जो हम लोग करा रहे हैं आपको। कह रहा है कि इफ़ ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। गाइस एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आपकी कभी भी नहीं आ सकती हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज भी मैंने आपको बता दिया है कि जब कभी भी एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब लगाई गई हो तो हमेशा इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद वाले ही मॉडल वर्ब हमेशा गलत मानी जाएगी। तो गाइस यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि ये आपका रॉन्ग है, आपको यहाँ लगाना होगा इफ़ ही डिस्चार्ज यानी कि एस या ई एस, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट में है, पिछले वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द अर्ली नेशनल मूवमेंट सक्सेडेड टू अराउज अमंग द पीपल द फीलिंग दैट दे बिलोंग टू वन कॉमन नेशन द इंडियन नेशन। क्या यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस में टू अराउज की जगह आपका क्या रहने वाला है। गाइस मैं आपको बता दूँ पहले ही, यहाँ उसने इस्तेमाल किया एक वर्ड सक्सीडेड, किसका इस्तेमाल किया, सक्सीडेड, और सक्सीडेड के बाद आपको लगाना होगा इन प्लस जिरंड। तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका इन अराउजिंग यानी कि ए करेक्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 पे, सी इज क्वाइट वेल नाउ
एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, तो गाइस उसको यानी कि अभी वो ठीक है बस उसको हल्का सा क्लाउड कोल्ड है ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड की जगह एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड आप कीजिएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। एक्सेप्ट फॉर मतलब एक तरह से बट नोट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर स्लाइट कोल्ड यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। सो गाइस यहाँ मैंने आज आपको कुछ इस तरह से कराया सेट, क्योंकि मेरी मजबूरी से इसको इस तरह कराना, अगला सेट भी आपको इसी तरह से मिलेगा क्योंकि ये कुछ सेट आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हैं, तो जितने भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेट होंगे वो मैं आपको इसी अंदाज में कराऊंगा, जो कॉमन एरर के सेट होंगे वो मैं बताऊंगा आपको बोर्ड पर। तो फिलहाल गाइज इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसे कराया जा रहा है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, कुल मिला के बात ये है। सो गाइज फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।